हरी स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल है 13 जुलाई कामिका एकादशी। कामिका एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कामिका एकादशी पर कुछ छोटे छोटे से उपाय करके हम सदा के लिए पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। परिवार में अगर कुछ समस्याएं हैं, दिक्कत हैं, उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। विवाह संबंधी उपाय आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगे जो हम कामिका एकादशी पर कर सकते हैं। उससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं स्पिरिचुअल ज्ञान पर, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हिंदू पांचांग के अनुसार सावन के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस साल यह एकादशी 13 जुलाई को है। कामिका एकादशी तिथि की शुरुआत 12 जुलाई को शाम 5:59 से होगी और कामिका एकादशी का समापन होगा 13 जुलाई को शाम 6:24 पर। कामिका एकादशी पर पूजा के दो शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त 13 जुलाई को सुबह 5:32 से लेकर सुबह 7:16 तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त 13 जुलाई को सुबह 10:43 से लेकर दोपहर में 3:45 तक रहेगा। बात करें कामिका एकादशी व्रत के पारण की, तो कामिका एकादशी व्रत का पारण 14 जुलाई को सुबह 5:33 से लेकर 8:18 तक रहेगा। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु से जुड़े कुछ उपाय करने से पितृदोष से सदैव के लिए मुक्ति पाई जा सकती है। तो यदि आपके परिवार में सदस्यों के बीच प्रेम कम हो रहा है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, तो इस दिन विष्णु जी की पूजा के समय दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अर्पित करने से परिवार में रिश्ते मजबूत होंगे, सुख शांति बनी रहेगी। आर्थिक उन्नति यदि आप चाहते हैं, तो कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाकर 11 बार तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। तुलसी के सामने घी का दीपक जलाना यानी कि आर्थिक उन्नति के योग बनाना। पुण्य यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, पुण्य फल यदि आप जोड़ना चाहते हैं, तो कामिका एकादशी के दिन शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी विष्णु जी की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। तो इस तरह से यदि आप भगवान विष्णु की कामिका एकादशी को पूजा करेंगे, तो आपको पर गंगा स्नान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। पितृदोष से मुक्ति के लिए आपको कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र जाप करने हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और पीपल या बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाना है। इससे पितृदोष चला जाता है। वैवाहिक संबंधी समस्याओं के लिए आपको कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की परिक्रमा लगाने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाएंगी। पीपल के पेड़ की परिक्रमा से आप अपने घर में सकारात्मकता ला सकते हैं। और यदि आप किसी ग्रह से परेशान हैं, कोई ग्रह आपको कुंडली में परेशान कर रहा है, तो इस एकादशी के दिन यदि आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाएंगे तो ग्रह शांत हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की मनोकामना है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, तो कामिका एकादशी के दिन दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें यानी कि तिलक लगाएं। ऐसा करने से शीघ्र ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।